हाँ तो कैसे हो मेरे कॉमिक्स के दीवाने दोस्तों, आप सभी का करते हैं फिर से एक बार वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, अगर आप हो इस चैनल पर नए और अभी तक नहीं किया है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, तो फ्रेंड सबसे पहले इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे द्वारा दिए गए नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड करते हैं इस वीडियो का शुरू और आपको बताते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है खास। तो फ्रेंड, एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज निकल कर आई है कॉमिक्स इंडिया की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड, कॉमिक्स इंडिया की तरफ से, जिन्होंने अभी तुलसी कॉमिक्स के रीप्रिंट स्टार्ट किए थे और अभी मनोज कॉमिक्स भी रीप्रिंट कर रही है, और इसी की लिस्ट में उन्होंने मनोज कॉमिक्स के दो अनदर सुपरस्टार राम रहीम और क्रुक बॉन्ड की कॉमिक्सों का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। और अभी कॉमिक्स इंडिया के फाउंडर ललित पालीवाल जी ने अपने फेसबुक पेजेस के ऊपर दो कॉमिक्स के पेज साझा किए हैं, जिसमें पहला पेज रहेगा राम रहीम की कॉमिक्स भूत महल और दूसरी कॉमिक्स थी क्रुक बॉन्ड की। तो फ्रेंड, अब जल्द ही हमें क्रुक बॉन्ड और राम रहीम की कॉमिक्स भी कॉमिक्स इंडिया के सहयोग से देखने को मिल जाएगी, जो कि जल्द ही हमें इसी महीने के लास्ट में ये कॉमिक्स हमें देखने को मिल जाएंगी और हमारे हाथों में होंगी। जी हाँ फ्रेंड, ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी हमें दी है ललित पालीवाल जी ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर। लेकिन ये बात उन्होंने काफ़ी समय पहले बता दी थी, लेकिन उस समय यह अभी अच्छी तरह से कन्फर्म नहीं हुआ था कि यह करेक्टर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि यह सब डिपेंड था हवलदार बहादुर की सक्सेस के ऊपर। जैसा कि उन्होंने पहले बताया था कि अगर हवलदार बहादुर सक्सेस होता है तो मनोज कॉमिक्स के और जो अनदर करेक्टर हैं उनकी कॉमिक्स भी इस लिस्ट में आ सकती है और उन्हें दोबारा से रीप्रिंट किया जा सकता है, जो कि मनोज कॉमिक्स का किरदार हवलदार बहादुर सक्सेस हो गया था और काफ़ी ज़्यादा में इसकी कॉपीज बिकी थी। तो इसीलिए अब आगे चलकर मॉडर्न जासूस क्रुक बॉन्ड और राम रहीम की कॉमिक्स भी अब रीप्रिंट होने की तैयारी में है, जो कि इस महीने के लास्ट में हमें देखने को मिल जाएगी। और ये स्टार्टिंग की कॉमिक्स क्रुक बॉन्ड की और राम रहीम की हमें मिलेगी बिग साइज के अंदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा बिग साइज भी नहीं होगा, नॉर्मल साइज रहेगा। एक स्मॉल कॉमिक्स और बिग साइज के बीच का जो साइज होता है वह साइज हमें देखने को मिल जाएगा। और ये तो फ्रेंड अभी शुरुआत है, धमाके तो अभी होने बाकी हैं, क्योंकि ललित पालीवाल जी ने यह भी हमें सूचना दी है कि अब आने वाले आगे आने वाले सेट के अंदर 8 से 10 कॉमिक्स हमें देखने को मिल जाएंगे मनोज कॉमिक्स की और तुलसी कॉमिक्स की भी। तो ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज दी है हमें ललित पालीवाल जी ने, लेकिन इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं हमारे रॉकी भाई और रुद्राक्ष भाई भी, और पूरी कॉमिक्स इंडिया की टीम ने इसमें अपना योगदान दिया है। और ये सब डिपेंड होता है फ्रेंड हमारे ऊपर कि हम मनोज कॉमिक्स की दोबारा जो रीप्रिंट कॉमिक्स हो रही हैं हम उन्हें कितनी सेल देते हैं, क्योंकि यह सब तो सेल के ऊपर ही डिपेंड करती है कि मार्केट इसका भविष्य जो आगे है, आगे उज्ज्वल भविष्य है या नहीं है। क्योंकि जब तक हम ये कॉमिक्स परचेस करके नहीं पढ़ेंगे तब तक कॉमिक्स इंडस्ट्री में दोबारा से ग्रोथ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। तो फ्रेंड अब ये तो हमारे ऊपर और आपके ऊपर है कि हम इस दोबारा से उभरते कॉमिक्स के युग को कैसे दोबारा से मतलब कि चलाते हैं, भविष्य में ला पाते हैं, ये सब तो अब हमारे ऊपर ही रहने वाला है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है कॉमिक्स इंडिया ने और मनोज कॉमिक्स ने कि वह दोबारा से इन कॉमिक्सों का रीप्रिंट कर रही हैं और हमारे लिए दोबारा से ये कॉमिक्स डिजिटल प्रिंट में आने वाली हैं। तो फ्रेंड ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी कॉमिक्स इंडिया के ललित भाई की तरफ से, और अभी आने वाले समय में भी देखते हैं अभी और किस तरह की कॉमिक्स हमें देखने को मिल जाएंगे मनोज कॉमिक्स की तरफ से। तो चलिए फ्रेंड अब कुछ बात कर लेते हैं हम तुलसी कॉमिक्स की। जैसा कि आपको पता है कि कॉमिक्स इंडिया ने सबसे पहले तुलसी कॉमिक्स रीप्रिंट की थी और उसके बाद उन्होंने मनोज कॉमिक्स रीप्रिंट कर रही है और अभी राधा कॉमिक्स भी आने वाली है। लेकिन इसी लिस्ट में जो तुलसी कॉमिक्स के अभी 5 कॉमिक्स उन्होंने पब्लिश कर दिए हैं और वह आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर या फिर ऑनलाइन स्टोर से आप उन्हें परचेज कर सकते हो। इसके अलावा कॉमिक्स इंडिया के ललित पालीवाल जी ने अभी 6 कॉमिक्स और की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि सेट नंबर 10 में रहेंगे। इसमें 3 कॉमिक्स तो हमें देखने को मिल जाएंगी अंगारा की और 3 कॉमिक्स हमें देखने को मिल जाएंगी जम्बू की। तो इसी लिस्ट में ललित पालीवाल जी ने कहा है कि अब आगे आने वाले सेट के अंदर हमें 10 कॉमिक्स देखने को मिल जाएंगी।